दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 24 अगस्त 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 के फेज टू के लिए सभी फ्रेंचाइजियों के फाइनल स्कोर को लेकर बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से आप सभी आईपीएल फैंस के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, वही दूसरी तरफ साल 2021 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाई वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ा हर एक छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले देखने को मिलता है। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर। जी हां, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट मुकाबले ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। जी आप सभी को पता है कि भाई पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी, जिसके चलते भाई इस टेस्ट सीरीज में फिलहाल टीम इंडिया ने 1-0 से जबरदस्त लीड हासिल कर रखी है। इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच हमें 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच लीड्स के मैदान पर देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस मैच की शुरुआत से पहले इस मैच के रिगार्डिंग 2 बहुत ही बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उन दोनों ही अपडेट्स की। तो पहला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है इंग्लैंड टीम के स्कोर्स को लेकर। जहां पहले ही यहां पर आप सभी को पता है कि भाई जोए रूट ने कंफर्म किया था कि भाई काफी सारे प्लेइंग 11 में चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले, जहां पर भाई कुछ खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, डेविड मिलान को स्क्वाड में शामिल किया गया है। लेकिन भाई एक और तगड़ा झटका यहां पर इंग्लैंड की टीम को लग गया है, या इंजरी के चलते तीसरे टेस्ट मैच से मार्क वुड पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं, जिसके चलते भाई अब वो तीसरे टेस्ट मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो लगातार थोड़ा सा वीक होता जरूर जा रहा है, क्योंकि भाई इनके तेज गेंदबाज लगातार इंजर्ड होते जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है टीम इंडिया को लेकर। जी आप सभी को पता है कि भाई लीड्स के मैदान पर इंग्लैंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार रहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए जब अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया के वाइस कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो भाई उनसे यहां पर सवाल किया गया कि भाई तो लीड्स में टेस्ट मैच होने वाला उसको लेकर टीम इंडिया का फिलहाल किस तरह का माहौल है, क्या टीम इंडिया प्रेशर में है। तो भाई उन्होंने यहां पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली बोला कि भाई हमारी टीम के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी प्रेशर नहीं है, हम यहां पर जीत के एक शानदार पॉजिटिव वाइब्स के साथ यहां पर मैदान में उतरने वाले, हम टोटली यहां पर जीत के लिए खेलने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हर टीम यहां पर जीत के लिए खेलते हैं। उन्होंने कहा कि हमको अपने अपोनेंट्स को अच्छी तरह से फेस करना है, एक अच्छे तरीके से यहां पर मैच खेलना है, इसको भाई एक बड़ा मुद्दा हमें यहां पर नहीं बनाना है, हम यहां पर लीड्स के मैदान पर फतह हासिल करने की पूरी तरह से कोशिश करने वाले हैं। तो भाई अजिंक्य रहाणे एंड आर्मी भी यहां पर पूरी तरह से पूरे जोश में नजर आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि भाई लीड्स के मैदान पर भी भारतीय टीम अपना कब्जा जरूर कर लेगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 के फेज 2 को लेकर। जी हां, आप सभी को पता है कि भाई यूएई में हमें फेज 2 देखने को मिलने वाला है। 19 सितंबर से शुरुआत होगी, 15 अक्टूबर को हमें फाइनल मैच देखने को मिलेगा। लेकिन भाई अभी तक यहां पर आईपीएल 2021 के सेकंड फेज के लिए सभी टीमों के फाइनल स्कोर्स की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसके चलते भाई बीसीसीआई की तरफ से हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला। जी हां, बीसीसीआई आप सभी को पता है 20 अगस्त का टाइम दिया था, लेकिन उस वक्त तक सभी टीमें अपने स्कोर्स तैयार नहीं कर पाई थी, जिसके चलते भाई जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड किया गया था। तो भाई अब यहां पर बीसीसीआई की तरफ से हमें नया अपडेट देखने को मिला है। जी हां, बीसीसीआई ने कंफर्म किया कि भाई अभी यहां पर पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और एक टीम और है, 4 टीमों को अपनी एक एक और रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट करनी, और भाई जैसे ही यहां पर उन चारों रिप्लेसमेंट्स की अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद भाई यहां पर सभी टीमों की जो फाइनल स्कोर्स हैं वो आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2021 के फेज 2 के लिए जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर भी आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग है। आप सभी को पता है कि भाई काफी सारे खिलाड़ी यहां पर आईपीएल 2021 के सेकंड फेज के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले, लगभग यहां पर 11-12 खिलाड़ियों के
नाम निकल कर आ रहे हैं। वैसे में यहाँ पर सभी फ्रेंचाइजियों को बेसब्री थे, उनके रिप्लेसमेंट्स का भी इंतजार था और भाई डिवोन कोनवे का नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा था। जी हाँ, न्यूजीलैंड के बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज और भाई ऐसा लगभग कंफर्म लग रहा था कि भाई कोई ना कोई फ्रेंचाइजी यहाँ पर डेफिनेटली इनको अपने स्क्वाड में शामिल कर लेगी। दो तीन फ्रेंचाइजियों की इनके ऊपर निगाहें भी थी, लेकिन भाई इन्होंने यहाँ पर आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में पार्टिसिपेट करने से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर इनकार कर दिया। जी हाँ, वो यहाँ पर उन्होंने मतलब इस सीजन के लिए खुद को अनअवेलेबल कर लिया है, यानी भाई यहाँ पर वो हिस्सा नहीं होने वाले। लेकिन भाई ऐसा लगभग कंफर्म है कि भाई जो आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन होने वाले हैं वहां पर डिवोन कोनवे जरूर तगड़ा धमाका करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है साल 2021 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 को लेकर जो भाई हमें ओमान और यूएई में देखने को मिलेगा 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच। यह शानदार टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेगा जहां पर भाई फर्स्ट राउंड के सभी मैच ओमान में होंगे, भाई सुपर 12 के सभी मैच हमें यूएई के तीन स्टेडियम्स में, जी हां दुबई, अबू धाबी और शारजा में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन भाई यहां पर स्कोर्स को लेकर बड़ा अपडेट आप सभी को बताया कि भाई यहां पर आईसीसी ने अपनी डेडलाइन जारी कर दी थी कि भाई 10 सितंबर से पहले सभी क्रिकेट बोर्ड्स को अपनी अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान करना है। तो वैसे में यहां पर भारतीय टीम को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। जी अपडेट कुछ ऐसा है कि भाई इस मंथ के एंड में हमें बीसीसीआई की एक बड़ी मीटिंग देखने को मिल सकती है जहां पर भाई हमें पूरा का पूरा कार्यक्रम पूरी की पूरी 15 सदस्य टीम और साथ ही साथ जो रिप्लेसमेंट्स होने वाले उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली सीरीज को लेकर। इस साल के अंत में भारत की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाने वाली है और भाई कल यहां पर बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर आई कि भाई 15 सितंबर को इस सीरीज का पूरा कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा। और भाई जैसे यहां पर 15 सितंबर को इस सीरीज का पूरा कार्यक्रम आ जाता है तो भाई अपडेट आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है सीपीएल यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग 2021 को लेकर जो 26 अगस्त से शुरू होने के लिए जा रही है, यानी भाई कल से ही शुरू होने के लिए जा रही है। काफी इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये सीरीज होने वाली है। लाइव टेलीकास्टिंग को लेकर बड़ा अपडेट है। जी हां, भारत में स्टार स्पोर्ट्स 1 इस सीरीज को टेलीकास्ट करने वाला है। मोबाइल पर आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप फैन कोड पर लाइव देख पाएंगे। पूरी सीरीज को देखने के लिए आपको ₹49 की पेमेंट्स करनी पड़ेगी। लेकिन टाइमिंग्स की हम यहां पर बात करते हैं तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई यहां पर जो तीन अलग अलग टाइमिंग्स रहने वाली है, जहां पर एक टाइमिंग हमें सूटेबल सभी इंडियंस के लिए सूटेबल है। जी हां, जो मैच यहां पर भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से खेले जाएंगे वो मैच तो बिल्कुल यहां पर मतलब इंडियन ऑडियंस के लिए सही रहने वाले। लेकिन भाई जो बाकी दो अलग टाइमिंग्स है, जी हां, वो है रात के 12 बजे और सुबह 4 बजे, जहां पर भाई मैच देखना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होने वाला है। तो दोस्तों ये 24 अगस्त 2021 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब टू क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।